हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज आवर क्लास। एंड यू नो आवर रनिंग चैप्टर इज द टॉकेटिव बार्बर, राइट। इस चैप्टर में हम वर्कबुक फिलअप कर रहे थे, जिसमें हम पेज नंबर 56, प्रीवियस क्लास में हमने पेज नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, मीन्स जो एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है उसकी हेल्प से उससे हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना था। ये हमने फिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। देन आफ्टर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, कंजक्शंस मीन्स होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स लाइक दिस। प्रीवियस चैप्टर्स में हम एंड और बिकॉज इसका यूज पढ़ चुके हैं, तो यही क्या है, कंजंक्शन है। ओके, मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड। तो यहाँ पर सम कंजंक्शंस दिए हैं, मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स दिए हैं लाइक एंड, बिकॉज, बट, इफ, और, शो, टिल, अनलेस, वेयर एंड व्हाइल। ओके, आपका जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें भी आपको ज्वाइनिंग वर्ड्स मीन्स कंजक्शन दिया था, एंड और एंड बट का यूज़ करने आया था, ज्वाइन करने, राइट। देन आफ्टर इसमें ये ऑल कंजक्शंस है। ओके, तो इनकी हेल्प से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करने हैं। ओके, फर्स्ट इज Suman is absent, blank, she has gone to Surat. Suman absent है, she has gone to Surat, वह Surat गई है। तो इसमें कौन सा conjunction use होगा, because. Suman is absent because she has gone to Surat. Suman absent है क्योंकि वह Surat जा रही है या सूरत गई है, राइट। तो इसमें क्या आएगा, बिकॉज मीन्स क्योंकि। देन सेकेंड इज प्लीज गो टू द मार्केट। प्लीज गो टू द मार्केट, प्लीज मार्केट जाओ। गेट्स मी सम फ्रूट्स, इसमें क्या आएगा, एंड गेट मी सम फ्रूट्स, और मुझे, और एंड मीन्स और मुझे सम फ्रूट्स लाकर दो। प्लीज गो टू द मार्केट एंड गेट मी सम फ्रूट्स। ओके, देन थर्ड इज द टीचर वेटेड। द टीचर वेटेड ब्लैंक आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। तो इसमें कंजंक्शन यूज होगा टिल, मीन्स जब तक मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, टीचर ने क्या किया, वेट किया, मीन्स इंतजार करते रहे। टीचर होमवर्क चेक करने के लिए इंतजार करते रहे। टिल, टिल मीन्स जब तक। आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क मीन्स जब तक मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया या होमवर्क कंप्लीट किया, तब तक जो है टीचर वेट करते रहे। The teacher waited till I had completed my homework. Teacher ने इंतजार किया जब तक मैंने अपना homework complete किया. Then fourth is you will not reach the school on time. Blank, you get up early. You will not reach the school on
टाइम, मीन्स आप स्कूल ऑन टाइम पर नहीं पहुंचोगे जब तक आप जल्दी नहीं उठोगे। तो इसमें जो यूज होगा अनलेस। देन फिफ्थ इज, दिस इज द स्कूल ब्लैंक आई स्टडी। तो दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीज, यह वही स्कूल है जहां मैं स्टडी करता हूँ। देन सिक्स नंबर, आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्जाम्स। आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्जाम्स सो आई विल नॉट वॉच टीवी टूडे। आई हैव टू स्टडी फॉर माई एग्जाम्स, मैं अपने एग्जाम्स की स्टडी कर रहा हूँ सो तो जो है मैं टीवी, आज मैं टीवी नहीं देखूंगा। ओके, सो आई विल नॉट वॉच टीवी टूडे। देन सेवेंथ नंबर, मिहिर वॉच टीवी। मिहिर वॉच टीवी, मिहिर टीवी देखता है। हिज ब्रदर वॉज क्लीनिंग द रूम, उसका भाई रूम क्लीन कर रहा है। तो इसका क्या है, इसमें कंजंक्शन यूज होगा व्हाइल। मिहिर वॉच टीवी व्हाइल हिज ब्रदर वॉज क्लीनिंग द रूम। मिहिर टीवी देखता है जबकि उसका भाई रूम क्लीन कर रहा है, रूम क्लीन कर रहा था, मीन्स मिहिर टीवी देख रहा था जबकि उसका भाई रूम क्लीन कर रहा था। ओके, तो मिहिर वॉच टीवी व्हाइल हिज ब्रदर वॉज क्लीनिंग द रूम। देन एट नंबर, विनय डिड नॉट डू हिज होमवर्क। विनय डिड नॉट डू हिज होमवर्क बट द टीचर डिड नॉट पनिश। विनय डिड नॉट डू हिज होमवर्क, विनय अपना होमवर्क नहीं करता है बट द टीचर डिड नॉट पनिश, परंतु जो टीचर है उसे पनिश नहीं करते हैं, उसे पनिशमेंट नहीं देते हैं। तो इसमें आएगा बट। यू कैन पास ओनली इफ यू वर्क हार्ड, आप तभी पास हो सकते हैं यदि आप हार्ड वर्क करते हैं। इफ मीन्स यदि, यू कैन पास ओनली इफ यू वर्क हार्ड। ओके, देन टेंथ नंबर, विल यू हैव टी और कॉफी, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी। ओके, टू में से एनी वन चूज करना है तो इसके लिए यूज होगा और। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कंजंक्शंस। ओके, मीन्स जॉइनिंग वर्ड्स, आप इन्हें केयरफुली वन टाइम रीड कर लेंगे और इनकी मीनिंग केयरफुली समझ के राइट करेंगे तो आप इजीली इन्हें फेल कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द अपोजिट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स यूजिंग द प्रीफिक्स dis, दिस, im, इम और un, अन। ओके, एंड यू नो वेरी वेल कि हम जो है पहले ही ग्रामर की क्लासेस में सफिक्स एंड प्रीफिक्स रीड कर चुके हैं। प्रीफिक्स मीन्स होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रत्यय, आप हिंदी ग्रामर में भी रीड कर चुके होंगे, जो कि वर्ड्स के पहले लगाया जाता है, वर्ड के पहले से ज्वाइन करके न्यू वर्ड बनाया जाता है, वो होते हैं प्रीफिक्स। ओके, इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल थिंग भी बताई थी, मतलब काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सफिक्स एंड प्रीफिक्स में
सफिक्स एंड प्रिफिक्स में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सफिक्स वर्ड के बिफोर लगाना है या फिर प्रिफिक्स वर्ड के बिफोर लगाना है। इसके लिए मैंने आपको सिंपल बताया था कि जो सफिक्स एंड प्रिफिक्स है, प्रिफिक्स का फर्स्ट लेटर पी होता है एंड सफिक्स का फर्स्ट लेटर एस होता है। तो हम इसे ऐसे रिमेम्बर रख सकते हैं, जो ABCD होती है अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक, तो उसमें जो पी होता है, ABCD जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें पहले पी आता है, देन आफ्टर एस आता है। तो जो प्रिफिक्स होता है ये वर्ड के पहले लगाया जाता है और जो सफिक्स होता है ये वर्ड के बाद लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें डिस, एम एंड अन प्रिफिक्स लगाकर अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं। ओके, लाइक दिस। फर्स्ट इज एडवांटेज, फर्स्ट इज एडवांटेज, इसमें कौन सा प्रिफिक्स लगेगा? डिस, तो इसका हो जाएगा डिसएडवांटेज। जब हम इस वर्ड में प्रिफिक्स लगाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसका ये जो वर्ड है इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। एडवांटेज इसका अपोजिट, जब हम इसमें DIS डिस प्रिफिक्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा डिसएडवांटेज। ओके, एडवांटेज मीन्स क्या होता है? लाभ या फिर जो हमारा फायदा होता है, बेनिफिट होता है ना, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिसएडवांटेज। ओके, देन सेकेंड इज मोबाइल, तो इसमें हम IM प्रिफिक्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा एम मोबाइल। देन कॉमन, कॉमन में अन प्रिफिक्स लगाएंगे तो अनकॉमन। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, फॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट ये टी है, इसे केयरफुली स्पेलिंग को राइट करेंगे। अनफॉर्चुनेट की स्पेलिंग क्या होगी? UNFORTUNATE, अनफॉर्चुनेट। ओके, देन ऑनर का डिसऑनर, एक्सपेक्टेड का अनएक्सपेक्टेड, मॉरल का इमोरल, टाइडी का अनटाइडी। ओके, एंड आपके लिए एक होमवर्क है, मैं आपको यहीं पर बता दूं कि यहाँ पर जो है हमने इसमें क्या बोल रहा है, राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स यूजिंग द प्रिफिक्स, मतलब ये प्रिफिक्स लगा के हमें इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं। राइट, मीन्स हम इन वर्ड में प्रिफिक्स लगाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट उसका अपोजिट हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। ओके, तो ये अपोजिट वर्ड बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, इन वर्ड्स की मीनिंग फाइंड करनी है। डिक्शनरी आप सभी के पास अवेलेबल है, नहीं तो जो है मोबाइल में भी डिक्शनरी अवेलेबल होती है। आप क्या करेंगे, इन वर्ड्स की एक आपको अपनी नोटबुक लेना है और उसमें आपको इन वर्ड की मीनिंग फाइंड आउट करनी है। ओके, देन आफ्टर इसके फ्रंट में जो हमने ये प्रिफिक्स लगाकर अपोजिट वर्ड बनाया है, एट फर्स्ट आप इसकी मीनिंग फाइंड करेंगे, देन इसकी मीनिंग फाइंड करेंगे, और आपको देखना है कि रियली अपोजिट वर्ड बनता है या नहीं। ओके, तो आपको इनकी मीनिंग फाइंड आउट करके फाइंड आउट करनी है। ओके, देन नेक्स्ट है नेक्स्ट इज 10th नंबर, प्योर का एम्प्योर, ओबीडियंट, डिसओबीडियंट, बैलेंस, अनबैलेंस, नेसेसरी, अननेसेसरी, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, एग्री का डिसएग्री। ओके, तो ये हमने डिस, अन एंड एम प्रिफिक्स लगाकर क्या बनाए हैं, न्यू वर्ड्स बनाए हैं। ओके, आपको इन वर्ड्स की मीनिंग फाइंड करनी है, इन वर्ड्स की भी करनी है, देन आफ्टर आफ्टर प्रिफिक्स जो हमने न्यू वर्ड बनाया है इनके भी मीनिंग आपको फाइंड करनी है। ओके, देन नेक्स्ट इज
Write 10 sentences on the Republic Day. Write 10 sentences on the Republic Day. हमें Republic Day के ऊपर 10 sentence write करने हैं. And you know very well Republic Day. आपको पता है Republic Day कब celebrate किया जाता है? Republic Day means होता है गणतंत्र दिवस. और every year 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन क्या हुआ था, हमारे जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, राइट? 26 जनवरी 1950 को हमारी कंट्री का अपना क्या बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था. और उसी दिन को जो है रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके और इस दिन क्या करते हैं हम, जो भी करते हैं उसके ऊपर 10 सेंटेंस राइट करने हैं. तो आप सभी ने आपके जो है हमारे स्कूल में 26 जनवरी को मींस रिपब्लिक डे को क्या क्या होता है आप सभी को पता है कि एट फर्स्ट तो हम अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाते हैं. देन आफ्टर 7 o'clock को स्कूल में फ्लैग होस्टिंग होती है, राइट? झंडा फहराया जाता है. और फिर जो हमारा नेशनल एंथम होता है, नेशनल एंथम क्या है हमारा, जन गण मन गाया जाता है. और ये जो जन गण मन है किसने राइट किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन राइट किया है. तो जो है हम आफ्टर फ्लैग होस्ट करने के बाद जो है अपने तिरंगे झंडे को क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं और जन गण मन नेशनल एंथम गाते हैं, राइट? इस दिन जो है मार्च पास्ट किया जाता है. ऐसे मैनी एक्टिविटीज होती है, राइट? तो इसके बारे में हमें 10 सेंटेंसेस राइट करने हैं. तो हम राइट करेंगे, फर्स्ट, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया ऑन 26th of January. मीन्स हम इंडिया में जो है 26th of January को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. रिपब्लिक डे इज अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया. और क्या है ये, हमारी कंट्री का नेशनल फेस्टिवल है, मीन्स राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय पर्व है. एंड ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन 1950. और इस दिन हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, जो कि किसने बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है उन्होंने क्या किया है, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. और इस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को. ओके देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. और जो हमारी जो कंट्री आज चल रही है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ड पर चल रही है, इसी संविधान के बेस्ड पर चल रही है. इसमें जितने भी जो हमारी कंट्रीज में जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स, और जितने भी जो नियम, जो रूल्स है, ये ऑल किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हमारी कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं. ओके एंड भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसे बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को. ओके देन वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम सभी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके जो रूल्स बने हैं उसे फॉलो करना चाहिए. एंड वी मस्ट अटेंड द फ्लैग सेरेमनी एट स्कूल. और एवरी 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को जो हमारे स्कूल में फ्लैग सेरेमनी होती है, फ्लैग होस्टिंग होती है, हमें उसे अटेंड करना चाहिए. एंड लर्न एंड सिंग नेशनल एंथम जन गण मन. और जन गण मन गाना चाहिए. और हम सभी जितने भी जो इंडियंस है, हम सभी का कर्तव्य है कि हम सभी को जन गण मन गाते आना चाहिए, बोलना आना चाहिए. एंड चिल्ड्रन एडोर फ्लैग्स एंड बलून्स कलर्ड एज नेशनल फ्लैग. इस दिन क्या करते हैं, सभी चिल्ड्रंस फ्लैग के कलर के स्मॉल स्मॉल फ्लैग्स लेके आते हैं, बलून्स लेके आते हैं, राइट? एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट और फ्रीडम एंड फ्रीडम फाइटर्स, और जो है हम सभी को अपनी फ्रीडम मीन्स हमारी आज़ादी, और जिस जो इस फ्रीडम के लिए जिन्होंने फाइट्स की है मीन्स जो फ्रीडम फाइटर्स है उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके क्या किया है, हमें ये फ्रीडम दिलाई है, आज़ादी दिलाई है, राइट? बिकॉज आपको पता होगा कि इससे पहले जो है, जब हमारा हमारी कंट्री 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री को क्या मिली थी? फ्रीडम मिली थी, आज़ादी मिली थी। इससे पहले जो हमारा हमारी कंट्री है वो किसके कौन इस पे जो है शासन कर रहा था? जो अंग्रेज थे वो इस पर शासन कर रहे थे, उनके रूल्स फॉलो होते थे। बट 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो जो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड 26 जनवरी 1950 को हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना था मीन्स संविधान लागू हुआ था, तो इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हमने ये 10 सेंटेंसेस राइट कर लिए हैं। देन आफ्टर है राइट अ नोटिस अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द फुटबॉल टीम। आपको एक नोटिस राइट करना है सिलेक्शन ऑफ फुटबॉल टीम के ऊपर। तो नोटिस कैसे राइट किया जाता है? एट फर्स्ट तो आपको यहाँ पर राइट करना है नोटिस, देन स्पोर्ट क्लब सिलेक्शन ऑफ द स्कूल, जैसे नोटिस बोर्ड लगे होते हैं ना अपने स्कूल में, देन फुटबॉल टीम, यहाँ पर आप डेट राइट करेंगे, देन के बारे में राइट करेंगे, द स्पोर्ट क्लब ऑफ द स्कूल इज प्लानिंग टू फॉर्म अ फुटबॉल टीम इन द स्कूल, द सिलेक्शन इज शेड्यूल्ड फॉर द 13 जुलाई 2020। फिलहाल मैंने इसमें कोई भी डेट डाल दी है ये। देन इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट इन द स्कूल स्टेडियम एट 10 AM शार्प। लेट कमर्स विल नॉट बी एंटर्ड। द सेलेक्शन कमिटी इंक्लूड्स द PT टीचर, प्रिंसिपल एंड अ मेंबर ऑफ द टाउन्स फुटबॉल टीम। यहाँ राइट करेंगे एंटर्ड, यहाँ पर एंटर्ड राइट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पेज में वन नोटिस और राइट करना है हमें। राइट अ नोटिस अबाउट अ क्लास पिकनिक। क्लास से जैसे आपको पिकनिक ले जाई जाती है, उसके पहले एक नोटिस होता है, नोटिस दिया जाता है सभी को, मतलब एक नोटिस लगा दिया जाता है नोटिस बोर्ड में, है ना? तो ऐसे ही हमें एक नोटिस बनाना है, तो हम अपने स्कूल का राइट करेंगे, तक्षशिला एजुकेशन सिस्टम चोटीला नोटिस, डेट राइट करेंगे यहाँ। देन टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर नोटिस बन रहा है? स्कूल पिकनिक। तो और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू गिर नेशनल पार्क, मीन्स हमारा जो स्कूल है ये गिर नेशनल पार्क के लिए जो है पिकनिक के लिए ये नोटिस है। दिस ट्रिप विल बी ऑन 16 मार्च 2020, डेट राइट कर देंगे जिस भी डेट को हम पिकनिक जाना चाहते हैं। देन दिस इज वेरी एडवेंचरस ट्रिप, द कॉस्ट ऑफ ट्रिप इज 800 रुपीज़, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स अलॉन्ग विद द अमाउंट टू देयर क्लास टीचर। ओके, मीन्स जैसे पिकनिक लेके जाते हैं आपको, तो उसके लिए क्या होता है, फीस भी देनी होती है आपको, तो वो फीस और आपको किसके पास सबमिट करने हैं उसके ऊपर एक नोटिस। ओके, देन है ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग डिफरेंट एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब हिम और हर।
यहाँ पर सम एडजेक्टिव्स दिए हैं, तो इन एडजेक्टिव्स के हेल्प से आपको अपने एट फर्स्ट तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना है या पेस्ट करना है, देन आफ्टर इन वर्ड्स की, इन एडजेक्टिव की हेल्प से उसके बारे में 5 सेंटेंस राइट करने हैं। ओके, इससे पहले हमने अपने फ्रेंड के, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में 5 सेंटेंस राइट किए थे, बट हमें 5 सेंटेंस राइट करने हैं, बट इन एडजेक्टिव्स का यूज़ करके उनके ऊपर 5 सेंटेंस राइट करने हैं। तो ये आपको राइट करना है, यहाँ पर 5 सेंटेंस आप राइट करेंगे एंड इस प्लेस पर आप अपने बेस्ट फ्रेंड का पिक्चर पेस्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड टुडे इज़ योर होमवर्क। आपको आज क्लास में जितना कराया गया है, पेज नंबर 58, पेज नंबर 57 एंड पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 to 58 ऑल आपको अपनी वर्कबुक में फिल अप करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।